CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम चैती, जो राग देश पर आधारित है। चैती यह उपशास्त्रीय संगीत की शैली है। यह उत्तर प्रदेश के लोक संगीत से उदित हुई है, जो कि चैत माह पर आधारित है। इसमें उपशास्त्रीय बंदिशें गाई जाती हैं। चैत्र के महीने में गाई जाने वाली इस शैली की बंदिशों के विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहते हैं। चैत्र श्री राम के जन्म का भी मास है, इसलिए राम का बाल्यकाल भी प्रायः इन बंदिशों का विषय होता है। ये अक्सर राग भैरवी, पीलू, देस और खमाज आदि रागों में बंधी होती है। ताल मुख्यतः दादरा और कहरवा होती है। ताल कहरवा क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल कहरवा, कहरवा ताल में चार मात्राएं होती हैं। विभाग दो, ताली एक पर और खाली तीन पर। इसके बोल हैं धागे नाती नक धिन। अब आप कहरवा ताल को तबले पर सुनिए। कुछ विद्वान इसे आठ मात्राओं का मानते हैं, इसलिए इसमें चार विभाग, ताली तीन यानी कि पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, सातवीं मात्रा पर और खाली पांचवी मात्रा पर मानते हैं। बोल वही है धागे नाती नक धिन। अब आप ताल कहरवा का ठेका तीन चार आवर्तियों में तबले पर सुनिए। राग देश पर आधारित चैती सुनने से पहले राग देश को भी जान लेते हैं। राग देश की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। राग देश के आरोह में गंधार और धैवत वर्जित हैं, निषाद दोनों लगते हैं, अर्थात शुद्धनी और कोमलनी दोनों प्रयोग किए जाते हैं। शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति ओढ़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम है। राग देश का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग देश का आरोह इस प्रकार है। नीसा रे मा पा नी प्रस्तुत है राग देश की पकड़। रे मा पा नी दा
आइए अब सुनते हैं राग देस पर आधारित चैती। चैती की बंदिश के बोल हैं, झुकवन पवन झकोरे हो रामा, नींद ना आए हो रामा। झुकवन पवन झकोरे हो रामा, झुकवन पवन झकोरे हो रामा, झुकवन पवन झकोरे हो रामा। नींद न आए हो रामा, नींद न आए हो रामा, नींद न आए हो रामा। झुकवन पवन झकोरे हो रामा, झुकवन पवन झकोरे हो अमुवा बोरे टेसुवा फूले, अमुवा बोरे टेसुवा फूले, अमुवा बोरे टेसुवा फूले, कोयल कूक सुनाए हो रामा, कोयल कूक सुनाए हो रामा, कोयल कूक सुनाए हो रामा, झुकवन पवन झकोरे हो रामा, झुकवन पवन झकोरे हो रामा। सुनत जिया कूक उठत है, कूक सुनत जिया कूक उठत है, कूक सुनत जिया कूक उठत है, कूक सुनत जिया कूक उठत है। मोरा मनवा घबराए हो रामा, मोरा मनवा घबराए हो रामा, मोरा मनवा घबराए हो रामा, मोरा मनवा घबराए हो रामा। झुकवन पवन झकोरे हो
झुक वन पवन झकोरे हो रामा, 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 झुक वन पवन झकोरे 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 वन पवन झकोरे हो रामा, झुक वन पवन, झुक वन पवन, झुक वन पवन झकोरे हो रामा। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि हम इसी बंदिश को किसी और धुन में गाएं तो राग तो वही रहेगा किंतु शैली चैती नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए अब सुनते हैं यही बंदिश उसी राग में परंतु किसी और स्वरूप में गाई जा रही है, तो अब यह चैती नहीं रहेगी यद्यपि राग अक्षुण्ण रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं राग देश पर आधारित बंदिश परिवर्तित रूप में। वन पवन झकोरे हो रामा, झुक वन पवन झकोरे हो रामा, झुक वन पवन झकोरे हो रामा, झुक वन पवन झकोरे हो रामा, नींद न आए हो रामा, वन पवन झकोरे हो रामा, झुक वन पवन झकोरे हो रामा। सुवा
अम्बुआ बोरे टेसुआ फूले, अम्बुआ बोरे टेसुआ फूले, कोयल कूक सुनाए हो रामा, 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 झुक वन पवन झकोरे हो रामा, झुक वन पवन झकोरे हो रामा। सुनत जिया हूक उठत है, कूक सुनत जिया हूक उठत है, कूक सुनत जिया हूक उठत है, कूक सुनत जिया हूक उठत है, मोरा मनवा खबराए हो रामा, मोरा मनवा घबराए, मोरा मनवा घबराए हो रामा, मोरा मनवा घबराए हो रामा, झुक वन पवन झकोरे 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 हो रामा। जैसा कि आपने सुना कि राग देस ही रहा किंतु शैली चैती नहीं रही। भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है चैती की रचना की धुन पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में।
आइए अब एक बार फिर से सुनते हैं शैती शैली राग देश में। झुक वन पवन झकोरे हो रामा, झुक वन पवन झकोरे हो रामा, नींद न आए हो रामा, नींद न आए हो रामा, झुक वन पवन झकोरे हो रामा। संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग और चैती का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। राग देश पर आधारित चैती। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंखरियाल, वाचन स्वर जितेंद्र रामप्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और मीनाक्षी कुकरेती, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।